Hello everyone, I am Akhilesh Kumar Srivastava, and in today's lecture, we are going to discuss about the deletions in the AVL tree. So deletion in the AVL tree is a very simple process, और इसको हम लोग one by one keys को delete करके सारे cases को discuss करने की कोशिश करेंगे. I hope आपने इस वीडियो को देखने से पहले मेरी AVL tree insertion की वीडियो देख ली. तो मैं ये expect करूंगा कि आपको LL rotation, LR rotation, RR rotation और आर एल रोटेशन के बारे में ऑलरेडी पता है. इससे मेरा काम आसान हो जाता है. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो डिस्कस देख लें, जिससे कि हम लोग डिलीशन प्रोसेस में इन रोटेशंस को आसानी से यूज कर सकें. तो आइए सबसे पहले हम इसमें से की नंबर 52 को डिलीट करते हैं. तो अगर हमें की 52 को डिलीट करना है तो आपको क्या करना है कि जो BST का जो डिलीशन प्रोसेस था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जीरो चाइल्ड वाला केस, वन चाइल्ड वाला केस और टू चाइल्ड वाला केस, ये आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तो हम डिलीशन में सबसे पहले BST डिलीशन या बाइनरी सर्च ट्री डिलीशन के हिसाब से सारे डिलीशंस कर देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा ट्री बैलेंस्ड है. अगर नहीं है तो हम बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे. एबल ट्री में जैसा कि आपको पता है कि जो अलाउड बैलेंस फैक्टर्स हैं वो +1 है, 0 है और -1 है. और जैसे ही मेरा बैलेंस फैक्टर +2 या -2 होता है तो हम रोटेशंस करके ट्री को बैलेंस करते हैं. तो सबसे पहला की हमें 52 अगर डिलीट करना है, तो 52 का डिलीशन बहुत ही आसान है. और अगर आपने 52 को डिलीट किया तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि 52 पे हम पहुंचे कैसे होंगे. तो 52 में आप सबसे पहले रूट पे गए होंगे और रूट से देखा होगा कि ये डेटा छोटा है, तो आप लेफ्ट की तरफ गए होंगे. लेफ्ट 54 है. अब आप इसके डेटा से जब आप कंपेयर करते हैं 52 को, तो इससे भी छोटा है तो आप लेफ्ट की तरफ गए होंगे. ये 53 से भी छोटा है तो आप लेफ्ट की तरफ गए होंगे. अब हमारा डेटा 52 के इक्वल होगा, तो आप इस नोड को डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद इसके पेरेंट के पास देखेंगे कि क्या बैलेंस फैक्टर है. तो जैसे कि इस केस में ये जो नोड 53 है, इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो है 0, तो ये परफेक्टली बैलेंस है. अब आप इसके पेरेंट के पास जाइए, इसके पेरेंट का जो बैलेंस फैक्टर है वो है -1, ये भी बैलेंस्ड है. इसके बाद आप इसके पेरेंट के पास जाइए और इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड कीजिए, जो कि आपको 0 मिलेगा. तो इसका मीनिंग क्या है कि सारे नोड्स डिलीटेड नोड और उसके पेरेंट्स की तरफ सही बैलेंस फैक्टर के हैं, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है और हमारा जो प्रोसेस है वो डिलीशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है. तो इसके बाद हमारे पास इस ट्री में नोड नंबर 52 नहीं है. अब आइए, अब हम डिलीट करते हैं नेक्स्ट की को. जो नेक्स्ट की हमें डिलीट करना है दैट इज 53. 53 को जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो इसके पेरेंट का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -2. अगर 53 को डिलीट करने के बाद इसके पेरेंट का बैलेंस फैक्टर -2 हुआ है, तो इसका मतलब हमें कुछ रोटेशंस करके इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो रोटेशन कौन सा लगेगा और एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, और आप उस डायग्राम को हमेशा रेफर कीजिएगा जब भी कोई बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब होता है. तो हमने सबसे पहले एबल डिलीशन के केसेस लिखने की कोशिश की. पहला केस है एल केस और दूसरा केस है आर केस. एल केस का क्या मीनिंग है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे कि ये जो नोड है जो अनबैलेंस हुआ, डिलीशन इसके लेफ्ट से हुआ, तो इसका मतलब एल केस अप्लीकेबल है. अब एल में कौन सा केस अप्लीकेबल होगा, इसको जानने के लिए हम जिस डायरेक्शन का नोड डिलीट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला नोड, जैसे कि इस केस में लेफ्ट वाला नोड डिलीट हुआ है, तो हम अब हम राइट वाले नोड का बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं. तो राइट वाला नोड हमारा ये है, इसका बैलेंस फैक्टर है 0, तो इसका मतलब जो केस लगने वाला है वो L0 केस लगने वाला है. तो L0 केस में हमें रोटेशन करना चाहिए RR. ऐसा सजेस्टेड है कि L वाले केस में हमें रोटेशन, L0 के केस में हमें जो रोटेशन करना चाहिए वो RR करना चाहिए. इसी तरह से अगर केस हमारा L1 होगा तो हम RL रोटेशन करेंगे, और अगर हमारा केस L-1 होगा तो हम RR रोटेशन करेंगे. सिमिलरली अगर R वाला केस है, R का मतलब ये है कि जो नोड डिलीट हुआ है, लेट से वो राइट से हुआ है, और हम उसके अपोजिट साइड मतलब लेफ्ट वाले नोड का बैलेंस फैक्टर चेक कर रहे हैं, अगर बैलेंस फैक्टर 0 है तो ये R0 केस हो गया,
बैलेंस फैक्टर 1 है तो आर 1 केस हो गया, और अगर बैलेंस फैक्टर -1 है तो आर -1 केस हो गया। आर 0 के केस में आप एल एल रोटेशन करेंगे, आर 1 के केस में आप एल एल रोटेशन करेंगे, और आर -1 के केस में आप एल आर रोटेशन करेंगे। तो आई होप आपको ये पता है या समझ में आ गया कि हम कैसे रोटेशंस करेंगे। तो इसको हम बार बार यूज करेंगे, और बार बार हम इसी पोजीशन पे आके और इस टेबल को देखेंगे कि हमें कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना है। पर्टिकुलरली इस केस में मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ -2 वाला जो नोड है ये है, इसके रिस्पेक्ट में जो डिलीशन हुआ है वो लेफ्ट में हुआ है, इसका मतलब एल केस की हम बात करेंगे। चूंकि लेफ्ट से डिलीशन हुआ है तो हम राइट का बैलेंस फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, और राइट का बैलेंस फैक्टर 0 है तो इसका मतलब हम एल 0 केस देखेंगे, और एल 0 केस का मीनिंग है कि हम आर आर रोटेशन कर दें। तो आर आर रोटेशन आपको पता है कि हम आर आर में लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देते हैं। तो अगर हम केवल अफेक्टेड पार्ट को पिक करें तो हमारा रोटेशन होके नोड ऐसा आया, 59 रूट बन गया, 59 के लेफ्ट में 54 आ गया, 59 के राइट में ऑलरेडी 60 था, लेकिन 59 के लेफ्ट में ऑलरेडी 57 था, तो इसको हम रोटेटेड नोड जो कि 54 है उसके राइट में लगा देंगे। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट फंक्शंस में इन माय प्रीवियस लेक्चर। तो ये हमारा केस हो गया, और बाकी का जो पार्ट है हम ऐसे फिर से बना लेते हैं। 71 हियर, 65, 68 इज हियर एंड 78 इज हियर, 76 इज हियर एंड 80 इज हियर। नाउ इसके बाद अगर आप बैलेंस फैक्टर दोबारा से चेक करने की कोशिश करें तो 59 का तो बैलेंस फैक्टर हो गया है +1। चूंकि हमें पेरेंट तक जाना पड़ेगा, रूट तक जाना पड़ेगा, तो हम इसके भी पेरेंट के पास जाते हैं और इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। इसका मतलब कि ट्री बैलेंस्ड है, हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं। आइए हम नेक्स्ट की को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट की जो डिलीट करने की बात कही जा रही है दैट इज 60, तो आइए हम 60 को डिलीट कर देते हैं। जैसे हम 60 को डिलीट करेंगे वैसे ही इसके पेरेंट की हम बात करेंगे, पेरेंट का देखेंगे कि बैलेंस फैक्टर क्या है। तो पेरेंट का जो बैलेंस फैक्टर मतलब 59 का जो बैलेंस फैक्टर है वो +2 है। इसका बैलेंस फैक्टर +2 होने का ये मतलब है कि हमें रोटेशन करने की जरूरत है, तो हमें केस देखना पड़ेगा कौन सा अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे 59 का राइट चाइल्ड डिलीट हुआ है, इसका मतलब हम आर केस देखेंगे, और हमें बैलेंस फैक्टर देखना पड़ेगा लेफ्ट का, 60 का सिबलिंग कह लीजिए या 59 का लेफ्ट चाइल्ड। तो 59 के लेफ्ट चाइल्ड का जो बैलेंस फैक्टर है वो है -1, इसका मतलब है कि जो हम रोटेशंस करेंगे वो आर -1 केस के अकॉर्डिंग करेंगे, और आर -1 के अकॉर्डिंग जो रोटेशन है वो होगा एल आर। तो आइए इस पर हम एल आर करके देखते हैं। केवल अफेक्टेड पार्ट को हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं, और अफेक्टेड पार्ट है 59, उसके लेफ्ट में है 54 और उसके राइट में है 57। एल आर रोटेशन का मतलब है पहले आप 54 को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दीजिए, इसका आउटकम आएगा 59, उसके लेफ्ट में 57 एंड इसके लेफ्ट में 54। फिर इसके बाद आप 59 को राइट की तरफ रोटेट कर दीजिए, पहले हमने लेफ्ट रोटेट कर दिया फिर राइट रोटेट कर दिया। सो एल आर रोटेशन ऐसा ही होता है। तो ये मेरा वो पार्ट हो गया जो कि अफेक्टेड था, इसको मैंने रोटेट कर दिया। बाकी का पार्ट मैं इसी से अटैच कर देता हूँ। अब 64, 71 इसके राइट में, 65 इसके लेफ्ट में, 68 इसके राइट में, 78 इसके राइट में, 76 इसके लेफ्ट में और 80 इसके राइट में। तो हमने इस नोड के साथ डील किया था जिसका बैलेंस फैक्टर परफेक्टली 0 हो गया है। अब आप इसके पेरेंट के पास जाएंगे मतलब रूट नोड तक, और देखेंगे कि इसका कितना बैलेंस फैक्टर है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका बैलेंस फैक्टर -1 है। इसका मतलब सभी चीजें सही हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमें नेक्स्ट नोड जो डिलीट करना है वो है 68। तो 68 का डिलीशन कैसे होगा? अगर आप 68 को डिलीट करेंगे तो 68 के डिलीशन के कोरस्पॉन्डिंग किसी का भी बैलेंस फैक्टर अफेक्टेड नहीं हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं, पहले 68 के पेरेंट को देखिए, 68 के पेरेंट का बैलेंस फैक्टर 0 है। 71 का देखिए वो -1 है। रूट का देखेंगे तो रूट का बैलेंस फैक्टर -1 है, इसका मतलब बैलेंस फैक्टर में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये डिलीशन कंफर्म हो गया कि सही है और इसमें किसी भी रोटेशन की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो हमें डिलीशन करना है वो है 54। तो आइए 54 को डिलीट करते हैं। तो जब आप 54 को डिलीट करेंगे तो 54 के डिलीशन के कोरस्पॉन्डिंग
पेरेंट का बैलेंस फैक्टर पहले चेक करेंगे, तो 57 का बैलेंस फैक्टर हो गया -1, 64 का भी बैलेंस फैक्टर -1 है, इसका मतलब कि ये बैलेंस्ड है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट की डिलीट करते हैं, 54 के बाद 59 डिलीट कर लेते हैं। तो अगर हम 59 को डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। पेरेंट नोड इसका 57 पहला है, 57 का बैलेंस फैक्टर है 0। अब इसके पेरेंट के पास चलते हैं, ये वाला पेरेंट है इसका, तो पेरेंट जो है उसका बैलेंस फैक्टर है -2। तो चूंकि इसका बैलेंस फैक्टर -2, इसका मतलब है रोटेशन करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिलीशन किधर से होगा। 59 जो है वो 64 के लेफ्ट लेफ्ट सबट्री में था, तो इसका मतलब केस जो अप्लीकेबल होगा वो एल केस अप्लीकेबल होगा। मुझे राइट वाले चाइल्ड, मतलब कि 64 के राइट वाले चाइल्ड का बैलेंस फैक्टर पता कर लेना चाहिए। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो है -1, तो जो केस अप्लीकेबल इसमें हुआ दैट इज L-1 केस। L-1 के अकॉर्डिंग जो हमें रोटेशन करना है वो है RR। RR रोटेशन हमें करना है 64 से स्टार्ट करके। RR का मीनिंग होता है कि हम 64 को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दें। तो आइए हम 64 को लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं। जब हम 64 को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो 71 रूट बन जाएगा, 71 के लेफ्ट में 64 होगा, फाइन। लेकिन 71 के लेफ्ट में तो 65 पहले से था, तो हम इसको रोटेटेड नोड 65 64 के राइट में अटैच कर देते हैं। बाकी जो जहां पे था वहां पे ही रहने देते हैं, मतलब 57 को 64 का लेफ्ट, 71 के राइट में 78 है, 78 के लेफ्ट में 76 है, और 76 के राइट में 80 है। जो नोड रोटेट हुआ था दैट वाज 71, तो 71 रूट नोड है और इसका बैलेंस फैक्टर भी 0, इसका मतलब कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है। जो नेक्स्ट की हमें डिलीट करना है दैट इज 57। पहले 64 को डिलीट कर लेते हैं, ओके। या अभी हमें 59 को भी जस्ट हमने डिलीट किया, हाँ ठीक है। तो 59 के बाद हमें 64 को डिलीट करना है, तो आइए 64 को डिलीट करते हैं। जब हम 64 को डिलीट करेंगे तो 64 कैसे डिलीट होगा, ये टू चाइल्ड वाला केस है। तो जब टू चाइल्ड हमारे पास आते हैं तो उसका ये केस होता है कि हम इसको या तो सक्सेसर से रिप्लेस कर देते हैं या तो इसके प्रेडिसेसर से। तो सक्सेसर या प्रेडिसेसर में से कोई भी आप एक फॉर्मेट पिक कर लीजिए, तो हम यहाँ पे सक्सेसर का एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 64 का सक्सेसर है 65, आप 65 से इसको रिप्लेस कर दीजिए। पहले 65 को डिलीट कर लीजिए और फिर 65 से इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो 71 के लेफ्ट में अब आ जाएगा 65, उसके लेफ्ट में है 57, और इसके राइट में है 78, और इसके लेफ्ट में है 76, और इसके राइट में है 80। तो अभी हमने जो डिलीट किया वो 64 को डिलीट किया। कैसे डिलीट किया, इसके सक्सेसर से रिप्लेस कर दिया, सक्सेसर 65 है। इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, +1। तो चूंकि इसका बैलेंस फैक्टर +1 है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पेरेंट के पास चलते हैं। पेरेंट का बैलेंस फैक्टर 0 है, तो इसका मतलब कि सब कुछ बैलेंस है, हमें किसी भी टाइप के रोटेशन की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट जो की हम डिलीट करते हैं दैट इज 57। तो 57 को अगर हम डिलीट करें, 57 मेरा ये वाला नोड है, अगर हम इस नोड को डिलीट करेंगे तो 65 इसका पेरेंट है, 65 का बैलेंस फैक्टर 0 है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम 71 की तरफ चलते हैं। 71 मतलब इसका पेरेंट, उसका बैलेंस फैक्टर -1 है, ये भी बैलेंस है, तो इसका मतलब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, तो हमने 57 को सिंपली डिलीट कर दिया। अब आइए डिलीट करते हैं लेट्स से 65 को। तो 65 को कैसे डिलीट करेंगे, 65 को जब हमने डिलीट किया तो मुझे पेरेंट नोड को देखना पड़ेगा। पेरेंट नोड 71 है, पेरेंट नोड का बैलेंस फैक्टर है -2, इसका मतलब मुझे रोटेशंस करने की जरूरत है। केस कौन सा अप्लीकेबल होगा, 71 के रेस्पेक्ट में डिलीशन हुआ है लेफ्ट में, और राइट वाला जो नोड है 71 का वो ये वाला नोड है, इसका बैलेंस फैक्टर है 0। तो जो केस अप्लीकेबल इसमें होगा वो L0 केस अप्लीकेबल है। L0 केस के अकॉर्डिंग हम अगर टेबल को रेफर करें तो L0 केस है कि हमें RR रोटेट करना पड़ेगा। तो L0 केस के अकॉर्डिंग हम RR रोटेशन कर लेते हैं। RR रोटेशन मतलब कि इस 71 वाले नोड को हमें लेफ्ट की तरफ रोटेट करना होगा। तो आउटकम क्या आएगा इसका, 78 इसका रूट बन गया, 71 इसके लेफ्ट में, और चूंकि 78 के लेफ्ट में ऑलरेडी 76 था,
वो रोटेटेड नोड का राइट नोड बनेगा, क्योंकि ये लेफ्ट है तो ये राइट बन जाएगा 78 के राइट में, ऑलरेडी 18 है। तो ये मेरा फाइनल ट्री है आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द डिलीशंस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है एबल ट्री डिलीशन का, जिसमें अगर हम हमारे डिलीशन से पेरेंट नोड का बैलेंस फैक्टर अफेक्टेड हो रहा है तो हम इन केसेस में से एक सेलेक्ट करेंगे। केस कैसा है कि अगर एक ट्री है और उसमें से पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड डिलीट हुआ है तो एल केस अप्लीकेबल होगा। एल में से कौन सा केस अप्लीकेबल होगा, हमें राइट वाले का बैलेंस फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अगर राइट वाले का बैलेंस फैक्टर जीरो है तो एल जीरो केस लगेगा, राइट वाले का बैलेंस फैक्टर अगर वन है तो एल वन केस लगेगा, अगर राइट वाले का बैलेंस फैक्टर माइनस वन है तो एल माइनस वन केस लगेगा। सिमिलरली अगर हम डिलीट कर रहे हैं राइट वाले नोड को तो आर केस लगेगा। आर में कौन सा केस लगेगा, हमें लेफ्ट वाले नोड का पेरेंट के लेफ्ट वाले नोड का बैलेंस फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अगर पेरेंट के बैलेंस फैक्टर बैलेंस पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड का बैलेंस फैक्टर जीरो है तो आर जीरो केस, प्लस वन है तो आर वन केस, और अगर माइनस वन है तो आर माइनस वन केस। यहाँ पर हमें यह भी देखना है कि अगर हम एक नोड को देख रहे हैं पेरेंट नोड को, अगर उसका बैलेंस फैक्टर अफेक्टेड हुआ है तो हम यहाँ पे भी रोटेशंस लगा रहे हैं, केसेस लगा रहे हैं, देन हम इसके पेरेंट के पास अगेन जा रहे हैं और फिर पेरेंट का चेक कर रहे हैं कि इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, और फिर इसके पेरेंट के पास हम जाएंगे और इसका भी बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे, और बैलेंस फैक्टर अगर डिस्टर्ब है तो हम अकॉर्डिंगली रोटेशंस परफॉर्म कर देंगे। इन सभी प्रोसेस को करने के बाद अगर हम रूट तक पहुंच गए हैं तो अब इस प्रोसेस को रूट को रिटर्न करके स्टॉप कर देंगे। तो इसकी अगर हमें एल्गोरिथम लिखनी है तो हम सिंपल इसकी एबल ट्री की इंसर्शन जैसी ही एल्गोरिथम लिख सकते हैं, और हर एक डिलीशन के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ रिटर्न करना चाहिए। जैसे कि लीफ नोड अगर रिटर्न डिलीट हुआ है तो हमें नल रिटर्न करना चाहिए, इंटरनल नोड कोई डिलीट हुआ है तो उसका प्लेस कोई ले लेगा, उसको कोई रिप्लेस करेगा, तो उस रिप्लेस नोड का जो एड्रेस है हमें वो रिटर्न करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली हम उसके बाद ये डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे एल या आर केस लगेगा। एंड इस टेबल के अकॉर्डिंग जो हमने टेबल अभी बनाया है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग रोटेशंस परफॉर्म कर देंगे, तो फाइनली इसका जो रिटर्न होगा वो रूट नोड का एड्रेस रिटर्न होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट द एबल ट्री डिलीशन इज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच।